माघ माह की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या की तिथि पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन को गंगा स्नान और दान के लिए पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में सभी देवगण स्वर्ग से उतरकर स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर स्नान किया जाता है। ऐसा करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर नहाना लाभप्रद माना जाता है, इसलिए इस दिन को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:34 से 6:22 तक था, इसलिए इस काल में भी स्नान करना शुभ माने जाने के कारण प्रातः काल राप्ती तट स्थित राम घाट पर मौनी अमावस्या पर लोग स्नान करते नजर आए। स्नान करने आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं तथा मौनी अमावस्या के दिन गौदान करने से सभी संकट दूर होते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने कहा, गंगा जी के किनारे गौ धान खेती बाड़ी में बहुत ही रात मिलती राजघाट तुलसी मिलती गौ धान दो तीन तीर्थ गौ के बच्चन कल्याण करा मौलाना देवी नहाना क्या होता है। हाँ नहान यह है जे लोग दान पुण कराला, देश का लोग देखाला, अपन सब कुछ कराला, यह कुल कराला नहान करे आवाला। और का कराला, केना लोग ना आवेला, कहन हे चला हमन के कहाँ से लोग आयल वानी नहान करे, कहाँ से पिपराज से और आगे से मुजहना मुजडीहा गाँव। नहान कहाँ कहाँ होला तुम? अरे नहान इलाहाबाद है, बनारस है, अयोध्या जी है, बोरहरगंज है, गोरखपुर राजघाट है, इस सज्जी नहानवन है। कमलेश जी नहाने से वही थोड़ा दुख सुख में शांति मिलता है। क्या क्या होता मतलब नहाने से कष्ट दूर होता है, इंसान का थोड़ा पवित्र महसूस करता है। और ये नहान हर जगह लगता है, इलाहाबाद लगता है, बनारस लगता है, और वहाँ पर नेपाल में लगता है। लोग यहाँ बाछी भी छुआ की बाछड़ा भी छुआ रहे हैं लोग। जी जी क्या होता है इससे? वही कुछ संकट दूर होता है, इससे लोग पवित्र महसूस करते हैं। विजय आज की दिन अमावस्या का तिथि है,
ये दान पुण्य और बछियों का दान होता है, गौदान होता है, इसीलिए अमावस्या को गौदान आदमी कराते हैं और दान पुण्य करते हैं। और बाकी क्या होता है यहाँ पे, नहाने आते हैं, नहाने से क्या होता है? नहाने से सब शुद्धता होता है, पवित्रता होता है, पाप कटते हैं। लोग कहते हैं नहाने से पाप होता है। हाँ, धुलता है। क्या रीजन है इसका? पाप धुलता माने अमावस्या तिथि का पर्व है, ये पर्व का जो स्नान बहुत भारी स्नान होता है, इससे बड़ा होता है इलाहाबाद में अमावस्या का, गंगा सागर का भी होता है, बहुत भारी इसकी महत्व माना जाता है।